हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है भाई आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू स्टार गेमर्स चैनल। तो दोस्तों आज हम फिर से खेलने वाले हैं स्नो रनर। और भाई कल मैं यहां पर लाया था ये कार्गो अपोकलिप्स का एक पहला पार्ट किया था मैंने, तो हम आए थे वाइट वैली से। तो अब भाई ये माल लेके जाना है वापस उसी वेयर हाउस पर जहाँ से मैं कल माल लेके आया था। तो तीनों ट्रक अपने मैंने कर लिए हैं लोड, इस पर ईंटें रख ली हैं, 8 पॉइंट का कार्गो और भाई उन पर है 4 पॉइंट का। तो ये है अपना टाटा कमाज और भाई डेरी लॉन्ग हॉर्न ट्रक। तो सुबह सुबह का टाइम में निकलते हैं और माल मैंने कल ही लोड कर लिया था और इस ट्रक को भाई मैंने रिपेयर कर लिया था अपने टाटा को, क्योंकि कमाज के अंदर रिपेयर पॉइंट थे तो उसके साथ इसका टायर वायर फट गया था भाई अपने टाटा का। तो मैंने टायर रिपेयर करके इसके अंदर पेट्रोल भी भाई फुल कर लिया, उसके अंदर पेट्रोल की ऑप्शन भी थी, उसके अंदर मतलब पेट्रोल का भी टैंक था छोटा सा। तो इसको निकालते हैं भाई, ये बहुत लंबा है ट्रेलर ध्यान से। तो मैंने पहले ही सारे सेट करके खड़े कर रखे हैं, आज देखो ये कैसे पहुँचेगा। अब एक मिनट भाई, निकल जाएगा भाई बहुत लंबा है यार ये। तो किस अगर आपने कल वाला पार्ट नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जाओ उस पार्ट को देखो कल वाले को, तो यह उससे अगला पार्ट। तो भाई लाइट ऑन कर लेते हैं आगे क्योंकि रोशनी नहीं है और भाई बहुत लंबा हो रहा है ये। हो इधर को चल, इधर को चल भाई, उधर नहीं जाना। तो मतलब कल बारात लेके आए थे, अब हम डोली लेके वापस जा रहे हैं। तो ये ऐसे है, तो ये मतलब पार्ट टू मैंने पहली बार देखा है स्नो रनर के अंदर। इसका नाम कुछ और रख सकते थे वैसे, इस मिशन का नाम यही रखना ज़रूरी नहीं था, कोई और नाम रख लेते, लेकिन भाई उन्होंने नहीं माने नहीं, इन्होंने बोला पार्ट टू ही बनाओ। और ये देखो तो भाई टाटा यहाँ पे फेल होता हुआ चढ़नी बहुत ही मुश्किल हो रहा है इसके साथ। और सुबह सुबह का टाइम है भाई, 6 बजा रखे हैं मैंने और अभी थोड़ी देर में क्या होगा कि रोशनी हो जाएगी और काम करते करते लगता रात तो हो ही जाएगी भाई पक्का। चलो टाटा खींच दे कक्के गद्दर लिया, वेरी गुड वेरी गुड। हॉर्न मार दिया यार एक बार, हाँ ताकि भाई कौए वगैरह उठ जाए। देखो कौए उठ गए और पीछे भाग गए। चल 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 भाई, इतनी सारी ईंटें लेके चढ़ नहीं पा रहा। एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चल 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 चल। एक मिनट भाई, इसका करते हैं भाई डिफरेंशियल लॉक ऑन, अब देखते हैं। नहीं भाई, चला 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 चल 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 चल, इधर को चल, देखता हूँ यार किसी तरफ तो चले भाई, विंच लगानी पड़ेगी। चल रहा है, चल रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ चला चला चला, ये भाई चल बड़ा। भाई थोड़ी सी टायर को जरा जगह चाहिए होती है, जब टायर ज़मीन से लगता नहीं है और स्लिप करता है तो वो चल नहीं पाता। भाई चढ़ गया लेक, अब देखो चढ़ता ही जा रहा। अब तो लो मेन रोड आ गया भाई, अब तो बल्ले बल्ले हो गई, अब तो भाई इसका इसकी मौज हो गई। तो वाइट वैली का रास्ता है उधर से और लेफ्ट को जाओ, पुल के ऊपर से जाऊंगा तो भाई मैं नॉर्थ पोर्ट पहुंच जाऊंगा। तो मुझे नॉर्थ पोर्ट में नहीं जाना है, वाइट वैली पे ही जाना। तो एक बार इसका मैं बंद करके और भाई इसको कर दूँ ऑटो पे ताकि ये तेज चले। चल भाई चल, निकल जल्दी से, अभी भी नहीं चढ़ पा रहा भाई, अभी भी देखो काफ़ी चढ़ाई है यार, बहुत ही ज़बरदस्त चढ़ाई है। और इसको बंद कर देते हैं एक बार, तो ऐसे आता भाई नज़ारा बढ़िया। चढ़ जा बेटा चढ़ जा, शाबाश 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 भाई, कितना लंबा हो रहा है देखो, यानी कि इस टाइम ये 9 पॉइंट का कार्गो जितना लंबा हो रहा है, क्योंकि ये ट्रक भी भाई बहुत लंबा है और इसके पीछे जो ट्रेलर है 6 पॉइंट का वो इसको और लंबा कर रहा है। और भाई धूप आई है बहुत ही प्यारी सी यहाँ पर, और तेल तो इसके अंदर खैर अभी 431 लीटर है, बहुत तेल चल जाएगा भाई। रास्ते में और पेट्रोल पम्प आएगा तो वहाँ से भर लेंगे। तो यहीं से जाना था, मेन रोड आ गया अपना और सामने भाई टनल है अपनी, इधर जाकर इधर है क्या टनल, मैं इधर से आया था या इधर से आया था। एक मिनट यार भाई, गलत चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो अच्छा इसी रास्ते पे जाके, ओके चल भाई चल, ओके हैंड ब्रेक हटाओ हैंड ब्रेक। तो मुझे लग रहा था कि वहाँ पर चढ़ नहीं पाएगा, विंच लगानी पड़ेगी, लेकिन भाई हिम्मत बहुत करी इसने भाई, जान है इसके इंजन में लेकिन थोड़ी सी कम है। चलो जितनी भी है कुछ तो है, ले बेटा ले शाबाश। ये ओ भाई मैं तो इसके अंदर ही घुस गया, ये पीछे पीछे निशान किस चीज़ के आ रहे हैं। तो जो हमें देनी है कंक्रीट स्लैब, उसका निशान आने की वहाँ से माल उठाऊँ। और अभी तो मैं लेके जा रहा हूँ मैं ईंटें, तो ईंटें चाहिए उस वेयर हाउस पर। तो अब देखते हैं इसके बाद, ये है मतलब सेकेंड लास्ट मिशन, इसके बाद एक मिशन है भाई बहुत ही ज़बरदस्त वाला, जिसके अंदर की बहुत सारा माल डिलीवर करना है बड़ा बड़ा। तो देखते हैं वो कैसे होगा भाई, चलते हैं। अभी तो वाइट वैली आ गया लोग भाई अपना एयरपोर्ट, ये जहाज हम उड़ा नहीं सकते यार, उड़ा सकते तो मज़ा आता भाई इसको चलाने में, उड़ाने में मतलब। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ओके
तो ये इसका नक्शा वाइट वैली का, और हमें जाना है इधर। तो इसके जाने के रास्ते तो वैसे एक इधर से भी है, देखो ये बहुत ही शॉर्टकट है, ये बहुत लंबा कट है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से चलता हूँ आज, शॉर्टकट मार के देखता हूँ कि पहुँच पाऊँगा या नहीं। चल भाई चल, कर दे स्टार्ट। चलो, अरे भाई बड़ा स्लो हो रहा है तू। तो देखता हूँ भाई शॉर्टकट से, यार वैसे तो मुश्किल है शॉर्टकट, क्योंकि यार वहाँ पे जो पहाड़ी है, अगर इसका कार्गो पलट गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करें, एक काम करते हैं यार, रिस्क नहीं लेते ज़्यादा, और चलते हैं मेन रोड से ही, क्योंकि यार ट्रेलर बहुत लंबा है। अगर छोटा होता ट्रक तो मैं शायद निकल जाता, लेकिन भाई ये बहुत ही पंगे वाला काम है। अगर ये कार को पलट गया फिर दोबारा वहीं पर जाना पड़ेगा ईंटें उठाने के लिए, क्योंकि ईंटें वहीं पर मिलती हैं, अरे फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, तो फ़ायदा नहीं है। ओ भाई तू सीधा चल ले, ग्रिल पे मत टकरा। भाई कल पे ग्रिल पे टकरा गया था और इसका यार टायर फूट गया था बिल्कुल ही, और देखा होगा आपने अगर तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा था इसका। ये आया अब कटेगा इधर को, ये अब कटा। चलाती यार इसको थोड़ा अंदर से भी नज़ारा लेना चाहिए ना, अंदर से चलाने में मज़ा ज़्यादा आता। आप बताओ, आप जब गेम खेलते हो ऐसी कोई भी, तो आप अंदर से चलाते हो या बाहर से, आपको किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, बताना मुझको ज़रूर कमेंट करके। और अभी चलते हैं इसको लेकर, और ये इस पहाड़ी के पीछे जाना है मेरे को, ज़्यादा दूर नहीं है। आराम से भाई स्लिप कर रहा पिछला ट्रेलर आराम से भाई। और अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक शॉर्टकट है, यहाँ से ये चढ़ जाएगा तो हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, क्योंकि उस तरफ से तो बहुत चढ़ाई है। यहाँ से देखता हूँ ये चढ़ जाएगा, तो ये शॉर्टकट है वेयर हाउस का, और यहीं से लेके जाने वाला हूँ मैं इसको यहाँ से। चल भाई चढ़ा दे, कट जाएगा ये, कट तो गया, बस ग्रिल पर ना चढ़ जाए, बाकी सब ठीक है। ले आ, चल नहीं पाता यार, ये दिक्कत है इसकी, एक मिनट रुक जाओ। तो इसको लगाते हैं भाई गियर पे, और इसका करते हैं डिफरेंशियल लॉक ऑन, ब्रेक हटा के अब चल। अरे भाई अब चल, तो डिफरेंशियल लॉक और ऑल व्हील से तो भाई ट्रक में बहुत पावर आ जाती है, बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी खींच सकता है। चल, बड़ी से बड़ी भारी से भारी गाड़ी को भी खींच देगा। चल सीधा चल, आ लिया, थोड़ा सा बस थोड़ी सी जगह चाहिए इसको। चल, हाँ आया, लगा रहा है जोर लगा रहा है, हाँ इधर को लिया, काट, लिया, शाबाश, ये भाई खींच दिया, बल्ले करा दी भाई आज तो इसने। पिछला ट्रेलर देखो भाई, उसका उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रक की तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रक तो चला जाएगा अपना। और जा रहा देखो बर्फ़ के अंदर से, क्या शानदार लग रहा है, वाइट एंड येलो बर्फ, वाइट हो रही है, ट्रक बस येलो हो। अब भाई येलो डट्टी फैलो, अब यार इसको यहाँ से काटना, अब तो चला जाएगा, अब तो भाई हम निचाई है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस ये ट्रेलर अपना पिछला वाला फंस ना जाए। इसको निकालते हैं यार सीधा करके, तो मैं इसको ऐसे लेके जाऊँगा इधर को, ताकि भाई अपना ट्रेलर सीधा पहले निकल जाए। अब काटते हैं इस ट्रक को, इधर आ, हाँ आ गया। ओ भाई ले ही आया मैं, चल, एक मिनट भाई इसको बंद कर दूँ। ओके भाई, अब तो डिफरेंशियल लॉक की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो ये उतर आया नीचे भाई, बहुत ही जबरदस्ती लेके आया हूँ मैं इसको यहाँ से। ये दरअसल ये मोड़ वगैरह ना देखो छोटे छोटे हैं, इस मोड़ से फिर ये खंबे आ गए, ये आया दिक्कत है, तो ये फंस जाता है। चल भाई लो यार, आज मैं भाई बहुत ही शॉर्टकट मार के लाया हूँ इसको बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ गया भाई। चल ले चल इसको जल्दी से, और दे यहाँ पर, ये भाई करते हैं यहाँ पर इसका एंड। ले भाई ईंटें पता नहीं कितनी, इतनी ईंटों का क्या बनाना है भाई तुझे। और अब करता हूँ भाई इसको ऑन, और सी से देते हैं माल डिलीवर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लो भाई ये हो गया भाई, ईंटें पहुँच गई हैं, अब ट्रक को हटा दें यहाँ से। भाई दूसरे ट्रक भी लेके आने ना अभी, तो ये रास्ते में फंसेगा इसको। ये मुझे चाहिए भाई अभी ट्रक, तो इसकी ये नहीं है कि इसकी अभी, इसको कल काम पे लगाना है, बहुत तगड़े काम करने हैं अपन को, तो इसको मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे लगा देता हूँ। चलो इसको बाद में ले जाएंगे ट्रेलर स्टोर पे, इसको करते हैं बंद। और अब चलते हैं भाई ग्लोबल मैप के अंदर, और हम चलते हैं माउंट रिवर में। चल भाई कमाज, तो पहले मैं लाता हूँ डेयरी लॉन्ग हॉर्न को आगे, इसके पीछे लगाता हूँ कमाज को भाई, जैसे मैं कल लाया था, क्योंकि कमाज का ट्रक
खींच नहीं पाएगा डेरी लॉन्ग हॉर्न को। और भाई इनके ऊपर स्लैब जो रखी है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही हैवी हैं। तो तीन तीन छः स्लैब हैं, 4 पॉइंट का कार्गो। चल भाई चल। अरे मैंने कहा यार चल क्यों नहीं रहा। बस 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 भाई इसमें लगानी है मुझे पीछे विंच, तो इसका सेंटर का पॉइंट देखता हूँ। अरे यार रुक तो जा। तो भाई इसका सेंटर का पॉइंट ये है, तो सेंटर से विंच लगानी सही रहती है क्योंकि सही चलती है। ठीक है भाई ओके। चल इसको खींचते हैं अपनी तरफ। ओ भाई 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 पलट जाएगा। ओ भाई इसका ट्रेलर तो पलट रहा है यार, देखो 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 देखो। तो भाई उसका इंजन ऑन करना था। अब चले अब चलेगा। तो मैं इंजन ऑन करना भूल जाता हूँ हमेशा, तो उसका इंजन अब मैंने ऑन कर दिया। पहले मैं जरा कमाज को पास से बुला लूँ। आजा 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 हो रहा आजा आजा हो रहा। बस बस बहुत है बहुत है बहुत है। बस इतनी दूर ठीक है विंच चल जाएगा। तो भाई अब इनको लेकिन उतारना बहुत आराम से है। बस 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 भाई ये भी काफ़ी लंबे हो गए। ओ भाई टक्कर मत मार दो पीछे से यार। मैं पीछे देखूँ कि आगे देखूँ समझ नहीं आ रही। चल 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 चल। एक मिनट भाई कहाँ घुस गया मैं पेड़ों के अंदर। ठीक है भाई दोनों चल पड़े। अब लेके चलते हैं इसको। और यहाँ पर देखो भाई पानी के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। इतना हैवी माल लेके जा रहा हूँ, अगर ये लोड बाई चांस टूट जाए तो भाई दोनों ट्रक अंदर चल सकते। ओ वापस वापस कर वापस कर वापस कर वापस कर और वापस कर। एक मिनट यार गलत चला गया, मैं दरअसल पीछे देख रहा था। सीधा कर भाई इसको। नहीं 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 अभी नहीं कटा। एक मिनट यार ये नीचे चला जाएगा नदी के अंदर तो दिक्कत हो जाएगी। भाई बर्फ़ है अगर फिसल गया ना तो फिर नीचे नदी के अंदर चला जाएगा और माल वगैरह इनका कार्गो गिर जाएगा। और ये देखो फिर चल चक्कर क्या भाई तेरा। चलो अब तो कट गया। हेलो भाई लेके चले आज हम बारात वापस। कल लेके आया था मैं यहाँ पे। आजा आजा कमाज आजा इनको चढ़ाना है भाई ऊपर। चल 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 भाई इसको ऑल व्हील ऑन कर देता हूँ। अभी ऑन नहीं करा था मैंने, ये ऐसे ही चल रहा था बिना उसके। तो इसको भी मेन रोड से लेके चलता हूँ क्योंकि ये दिक्कत करेंगे वहाँ पे। भाई जो पहाड़ी है ना वहाँ पे कट बहुत ज़्यादा शार्प है और वहाँ से रास्ता नहीं जाने का। तो मेन जहाँ से मर्जी पहुँचाओ आपकी मर्जी, तो मेन रोड पे लेके चलूँगा इसको ताकि भाई अपना काम ख़राब ना हो। ओके चलो निकलो निकलो निकलो। चढ़ जा बेटा चढ़ जा। भाई ये बहुत मुश्किल से चढ़ रहा। और भाई ये कैमरे के अंदर नहीं समा रहा, देखो इतना कैमरा हो रहा है। मैंने इतना जूम करा हुआ फुल लेकिन आ नहीं रहा। भाई सीधा चल। एक सेकंड भाई इसको चढ़ाते हैं ऊपर। तो ये कल से अटका हुआ था। कल भाई कल सुबह से और शाम तक मुझे टाइम लग गया वीडियो बनाने में FS22 का। भाई उसका गेम प्ले बनता है 8-9 घंटे में, तो इसलिए मैं कल इस ना इसको बना पाया इसका वीडियो ना मैं उसका बना पाया, दोनों में से किसी का वीडियो नहीं बनाया। तो इसलिए आज मैंने उसको अपलोड कर दिया FS22 को। आप उसका मजा लो जब तक मैं इसको बना के आपको दिखाता हूँ फिर बाद में। तो ये इसको काटना है इधर से। अब पिछले ट्रक को भी देख ले यार फंस ना जाए। सीधा चल सीधा चल सीधा सीधा सीधा। देखो 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 खंबे के अंदर फंस रहा। भाई इतनी लंबी रेलगाड़ी चलानी आसान नहीं है क्योंकि यार मेन रोड है तो चल रहा है, अगर छोटे छोटे रास्तों से लेके जाऊंगा तो भाई खंबे पेड़ हर तो ये फंस जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। और इसका भी यार लोड बहुत ही ज़्यादा है। देखो भाई पूरी सीमेंट की बनी हुई है, सीमेंट और लोहे की, तो आपको पता ही है ना सीमेंट और लोहा भाई कितना भारी होता है। इस एक स्लैब को उठाने के लिए भाई कम से कम 10 लोग चाहिए, बहुत हैवी है। और मैं लगता गलत चला गया कि सही जा रहा हूँ। नहीं नहीं सही है सही है। ओके चल 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 ले अभी आ जा कमाज आ जा। तो अभी इनको फिर मुझे विंच लगानी पड़ेगी एक बार। तो इनको भी मैं वहीं से लेके जाता हूँ जहाँ से उसको ले गया था, और दूसरी जगह से लाने की कोशिश करूँगा तो भाई ये काम ख़राब हो जाएगा। तो सी दबाते हैं पहले और फिर एक बार सी दबा के चलते हैं। चल भाई ये सी दबाने का क्या चक्कर है भाई, ये पता नहीं समझ नहीं आती। कई बार दबाओ दबता नहीं है, कई बार चलता नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। लो भाई आ गया वाइट वैली का म्यूजिक, अब इसको आगे निकल। ओ भाई ये क्या हुआ। नो 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 ये क्या हो रहा है। ओ नहीं 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 नहीं
भाई अभी अभी इसका माल पलटने वाला था, चल 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 चल। ओ नहीं 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 नहीं, क्या हो रहा है इस ट्रक को? अबे यार इसके अंदर फंस कैसे गया? ये क्या ग्लिच है यार, ये क्या ग्लिच है? ये ट्रक कैसे नजर आ रहे हैं वाइट वाइट से? लगता है उसके ऊपर से निकालना पड़ेगा पहले। ओ भाई अब सही हुआ, वो ये क्या हुआ था यार देख। ओ भाई मेरे, ओ भाई एक मिनट, इसका माल पैक है ना भाई, कार्गो पैक है ना? हाँ ठीक है। तो पता नहीं यार क्या दिक्कत हो गई थी, मुझे नहीं समझ आया, दोनों फंस गए थे। और ये वाला ट्रक भाई इसका माल गिरने वाला था यार, सच में कसम से अभी काम खराब होने वाला था। तो इसको एक वापिस चल, इसको लेके चलता हूँ मैं इस शॉर्टकट से, देखता हूँ इस शॉर्टकट से चला जाएगा ये, क्योंकि अभी तो और भी मिशन करने हैं तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो इसको मैं इस तरफ यहाँ से लेके चलता हूँ इस तरफ से। अब ये दोनों इकट्ठे नहीं जाएंगे भाई, अब रास्ता छोटे छोटे हो गए हैं, रास्ते बहुत ही बकवास हो गए हैं, तो इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। यहाँ से चलते हैं इस रास्ते से भाई, मैं कभी नहीं गया हूँ आज तक, ये शॉर्टकट है। और आगे अच्छा अच्छा ये टनल है भाई दूसरी, ये नॉर्थ पोर्ट की टनल है। तो यहाँ से रास्ता है, और वेयर हाउस देखो उस पहाड़ी के पीछे, देखते हैं इसको उतार के यहाँ से उतरेगा कैसे। ब्रेक लगा, ब्रेक लगा आराम से भाई, आराम से ले 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 भाई, पहाड़ों के बीच में से निकल रहा ट्रक, ये भाई सही नज़ारा है, देखिए शानदार लग रहा है ना, पत्थर बहुत है भाई यहाँ पे। ले अब ओके ओके, रुक 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 रुक, अरे बाबा रुक, काट दे काट दे काट दे। तो इस रास्ते से आए भी हम पहली बार, मैं आया हूँ मतलब पानी के अंदर से निकला था मैं एक बार, लेकिन इस रास्ते पे नहीं आया देखो मैं कभी भी। तो मैं कहा चलो इस रास्ते को आज ट्राई करते हैं कैसा है ये। और भाई ख़तरनाक है बहुत ही, टेढ़ा मेढ़ा है, अगर थोड़ी सी सावधानी हट गई तो दुर्घटना घट गई। चल 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 चल, ये तो ट्रक अच्छा है चल रहा है भाई, कोई और ट्रक हो तो मुश्किल हो जाएगा। तो रोड टेढ़ा मेढ़ा बहुत है भाई, तो इसको भी ट्राई करना चाहिए ना, नई चीज़ ज़िंदगी में हमेशा ट्राई करनी चाहिए, पुरानी चीज़ें तो हमने देख ली हैं। ओ बस 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 बस, पीछे कर पीछे कर, पीछे 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 कर थोड़ा सा बस भाई, शार्प कट है बहुत, कट बहुत शार्प है। तो कमाज को नहीं लाऊंगा भाई मैं यहाँ से, कमाज को दूसरे रास्ते से लेके जाऊंगा अच्छे वाले से। चलो मैं तो चल किधर गया भाई, रोड ही ऐसा यार, मैं काटने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कट नहीं रहा भाई। इधर ला इधर ला, इधर 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 पहाड़ी की पिक्की जोड़ रहा। ओ भाई भाई, ट्रक के अगले पैर, अगले टायर यानी कि पैर उसके अगले पैर ही होते हैं, हवा में थे। चल चल भाई, खिसकने की कोशिश कर रहा नीचे को, क्योंकि यार पत्थर पड़े हैं ना, पत्थर की वजह से नीचे को, पत्थर के ऊपर जब टायर आता है तो भाई आपको पता है स्लिप कर जाता, तो अगर स्लिप कर गया तो फिर तो भाई इसका काम खराब हो गया। लो भाई यहाँ पहुँचे हम, अब ये भी देखो मोड़, ये मोड़ भी देखो क्या खतरनाक, बैक कर बैक कर बैक कर, पलट गया पलट गया पलट गया भाई। हाँ इधर को ला इधर को ला। खतरनाक था भाई मामला, यहाँ पे भी रास्ता खतरनाक है। ठीक है देखते हैं आप कैसे निकलेगा ये यहाँ से। ले तो मैं इस पानी के अंदर से आया था एक बार, अगर आपने देखा होगा भाई, ऑल बिलोन कर देते हैं यार इसका एक बार भाई। कट क्यों नहीं रहा इधर को, इसकी कटिंग थोड़ी सी कम है यार, मैं इधर को काट रहा हूँ लेकिन वो पीछे इतना लोड है वो उसको पत्थर के अंदर घुसा रहा है। ले बस बस भाई, ब्रेक मार के आगे रास्ता भी देख लो। ओ नहीं 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 नहीं, रुक 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 रुक, हो एक नाम करता अंदर चलाऊं, अंदर से तो कुछ भाई नजर नहीं आया यार। ये देखो ये कट, ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई। ये कट बहुत खतरनाक है, नीचे उतार भाई, ये यहाँ पलट जाएगा सामान पक्की बात, मुझे लग रहा है, मेरे को मेरा मन कह रहा है कि यहाँ पलटने वाला। इस कट पे कैसे मुड़ेगा भाई, इससे तो यहाँ से तो सिर्फ गाड़ी जा सकती है। ओ भाई मेरे, चल 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 चल, वापिस कर वापिस कर भाई इसको, यार कहाँ पंगा ले लिया, सही में उधर मेन रोड से चले जाना था। ओ भाई फंस गया, हाँ आया आया आया,
और वापस कर थोड़ा सा, बस अब काट 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 काट, ले ले ले, ओ भाई मेरे, बस 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 भाई यही एक रास्ता खतरनाक था इसमें, अभी एक और है भाई, ये मोड़ भी खतरनाक है यार, कहाँ आ गया भाई। अच्छा वाला उधर से जा रहा था, मुझे लगा कि यहाँ से भी एडवेंचर करना चाहिए, एडवेंचर के चक्कर में पता लगा और काम खराब हुए। पीछे कर भाई पीछे कर इसको, हाँ काट 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 भाई ये, हाँ कटा 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 कटा, अपने आप ही चल रहा भाई, इतनी निचाई है कि ट्रक अपने आप चल रहा, मैं अभी कोई रेस नहीं दे रहा हूँ, एक्सीलेटर पे बिल्कुल भी पैर नहीं है मेरा। ओ भाई अब जिधर से जा रहा है इसको चलने देते हैं, चल 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 चल, बस बस ब्रेक लगा के। ओ भाई ये मुश्किल था, ये रास्ते से ये माल ले गया ना, क्योंकि इसमें 4 पॉइंट का ट्रेलर है ना, अगर छोटा सा होता है इस ट्रक के ऊपर 2 पॉइंट का फ्लैट बेड होता तो भाई कोई दिक्कत नहीं थी, वो कट देखे थे कितने शार्प थे, उससे कटिंग होने नहीं थी, बहुत मुश्किल काम हो जाता। चल भाई अब आया, और इसका रास्ता नीचे से था ऊपर से था, ऊपर से है शायद। लो भाई ये आ गया वेयर हाउस, अब कमाज को लेके आना पड़ेगा, तो यहाँ से रास्ता है, ये एक और रास्ता जा रहा है पता नहीं ऊपर, ये शायद वॉच टावर का रास्ता है भाई। लो भाई ये पहुँचा यहाँ पे, अब देखते हैं इसको स्लैब, ले भाई तेरी स्लैब आ गई, अब कमाज को लेके आता हूँ, कमाज को भाई मैं मेन रोड से लाऊंगा, कमाज को यहाँ से लाऊंगा तो फिर काम खराब हो जाएगा। और देखो ट्रक तो भाई बीच में फंसा हुआ, तो इसको देते हैं यहाँ पे, चल भाई ओके, तो करते हैं अनलोड। लो भाई ये भी गया, अब बचे अपने पास कितना माल, अब बचे भाई 2 स्लैब, चल इसको एक मिनट इसको यहीं पे खड़ा कर देते हैं, ओके बंद करते हैं भाई इसका इंजन, चलते हैं ग्लोबल मैप में, और नहीं ग्लोबल मैप में क्यों जाना भाई, ये तो यहीं पर है मेरे को लगा कि ये वहाँ पे खड़ा है भाई, इस ट्रक ने दूसरे ट्रक को अभी पलटा देना था, सच में यार बहुत ही काम खराब हो रहा था भाई, मुझे तो लगा कि एक बार वो डेरी लॉन्गहॉर्न का जो माल है कार्गो भाई वो हट जाएगा ऊपर से भाई, क्योंकि वो गिरने वाला था। और अपने चलते हैं कमाज को आराम आराम से, चल भाई निकाल इसको, इसको तो मैं अब मेन रोड से लेके जाऊंगा, तो इसके साथ कोई पंगा नहीं लेंगे भाई, ये इतना हल्का है ये संभाल नहीं पाएगा, वो तो डेरी लॉन्गहॉर्न था भाई, सॉलिड ट्रक था वो, उसने संभाल लिया लेकिन ये संभाल नहीं पाएगा। अब काटते हैं इधर से, देखो अंदर से कटिंग परफेक्ट होती है क्योंकि हमें पता होता है कि स्टेयरिंग किधर को जा रहा है। तो अभी बच्चा भी आखिरी सामान कार्गो, कार्गो अपोकैलिप्स, अपोकैलिप्स का दूसरा नाम है ये कार्गो अपल पार्ट 2, तो दुनिया का विनाश, तो आज हमने कार्गो का विनाश कर दिया, कार्गो की कयामत जो भी बोलो। चल भाई चल यार, इसको हुड को हटा के अच्छा लगता है ना गेम प्ले, ऐसे इसमें मज़ा आता है, आई मीन बिल्कुल ऐसा लगता है कि सिर्फ स्क्रीन पे अपना ट्रक ट्रक छाया हुआ, नहीं तो फिर हुड हुड ज़्यादा नज़र आती है। अब इसको चढ़ाता हूँ मैं, यहाँ से ये चढ़ जाएगा क्योंकि कमाज है, यहाँ से टाटा चढ़ गया था तो भाई कमाज तो चढ़ ही जाएगा, इसको कटिंग के लिए भाई मुझे मोड़ना पड़ेगा ज़रा इसको यहाँ से। अब काटते हैं इसको ऊपर की तरफ, ये यहाँ चल 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 आ जा एक बार रास्ता देख लो, ये तो चढ़ जाएगा देखो ये, क्योंकि भाई इसके पीछे टाटा के पीछे 8 पॉइंट का माल था भाई, 8 कार्गो, और इसके पीछे तो 4 का ही है, ये तो भागेगा ही, ये तो बच्चों की तरह खींच रहे हैं ऐसे, बहुत ही प्यार से खींच रहे हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो इसके बाद देखते हैं जो बड़ा वाला मिशन बच गया अपना, उसको भाई कैसे करेंगे, उसको कैसे होगा वो। और चल भाई इधर को काट, कर दे कटिंग। लो भाई कमाज तो मिनटों मिनटी खींच के ले आया भाई, मतलब कि कोई पता नहीं चला इसको, लो कितने आराम से आ रहा, बस स्पीड पे कंट्रोल कर भाई, स्पीड पे कंट्रोल कर, और पता लगा ग्रिल तोड़ के भाई नदी के अंदर चला गया तो दिक्कत हो जाएगी अपन को, बस ठीक है। लो भाई आ गया कमाज भी, तीनों ट्रक पहुंच गए अपने सही सलामत आज भाई, किसी का भी कोई डैमेज नहीं हुई, हाँ थोड़ी सी हुई थी डेरी लॉन्गहॉर्न की क्योंकि वो वहाँ पर फंस गया था, लो डैमेज बोलते भाई डैमेज हो गई 2 पॉइंट की। लो भाई तीनों ट्रक आज अपने यहाँ पर आ गए हैं, अब देखता हूँ उनको कैसे लेके जाना है कहाँ पे,
और देते हैं माल, ये ले भाई। लो भाई ये मिशन हुआ आज अपना, कल हुआ था 40 मिनट में, आज हो गया 25 मिनट में, तो आज आसान हो गया। क्योंकि भाई कल मैं इनको लेके भी तो आया था ना वहाँ से, कल मैं इनको गैराज से लेके आया था तो टाइम लगा था। चलो भाई अपना आज का मिशन सक्सेसफुल हो गया। अब देखते हैं, इसके हो गए सारे मिशन ख़त्म, इसके सारे मिशन ख़त्म, अब बचा भाई एक लास्ट ऑर्डर सुप्रीम, इसको तब एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, लास्ट है। तो एक्टिवेट करने के बाद देखो इसे बता रहा है कि माउंटेन रिवर के वेयर हाउस पे कार्गो साइज देना ओवर साइज, जो कि मिलेगा एयरपोर्ट से। वैसे कार्गो साइज अगर चलें ग्लोबल मैप में माउंटेन रिवर पे, तो अगर ओवर साइज कार्गो देखें यहाँ पे नहीं मिलता। ओके अब चलते हैं भाई एक बार पेड्रो बे पे, तो इसमें देखते हैं ओवर साइज कार्गो भाई इसमें भी नहीं मिलता देखो। तो ये हमें वाइट वैली से ही उठाना पड़ेगा, तो ये यहाँ से मिलता है। तो मेरे को इन ट्रकों को लेके गैराज में जाना पड़ेगा। अब सारे ट्रेलर जो लगे हैं पीछे उनको बेच देता हूँ एक बार। अच्छा तो जो मेरे पास कमाज है और वो दूसरा डेरी लॉन्ग हॉर्न, उसके पीछे जो ट्रेलर लगा है वो मेरे काम आ सकते हैं, क्योंकि ये दो लेके जाने पहले। तो ये देना है फैक्ट्री पे वेयर हाउस, ये वेयर हाउस पे देना है एक और एक देना है फैक्ट्री पे। तो पहले मैं इनको दूंगा, उसके बाद भाई ये मिशन आगे वाले लॉक हैं देखो सारे, ये तभी खुलेंगे जब ये माल अपने को ये डिलीवर करना है पहले, उसके बाद अगले वाले मिशन खुलेंगे। तो अब इन ट्रकों को लेके और मुझे वाइट वैली के गैराज में जाना है। वैसे एक हाँ जाना ही पड़ेगा यार, क्योंकि अब यहाँ से मैं या तो फिर मैं इनको चला के लेके जाऊँ या मैं इनको रिकवर करके लेके जाऊँ। तो चलो मैं जो भी है अब कल मिलूँगा आपको और कल करेंगे इसको डिलीवर। अगर कल ये मिशन हो गया जल्दी ऑर्डर मास्टर, तो ओवरसाइज कार को देने के बाद अगर भाई टाइम मिला तो अगला मिशन, मतलब अगले जो हैं वो करेंगे, नहीं तो फिर उसके अगले, बस ये दो चार दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तभी कैसे लग गई है। चलो जो भी था जो भी होगा मतलब देखेंगे फिर उसको। तो ये था आज का गेम प्ले भाई, बताओ कैसा लगा। और आज हमने कार्गो अपोकैलिप्स का एंड कर दिया भाई, दूसरा पार्ट। ठीक है भाई, ओके फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखो, खाओ पियो स्वस्थ रहो, और भाई इस वीडियो को देख के अगर आप मस्त नहीं हुए तो फिर क्या फ़ायदा। तो भाई मस्त रहो, ओके बाय बाय।